गाइस, थोड़ा लेवन टेंडर की मूवी के बाद सबसे ज्यादा सवाल जो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा गया है वो ये है कि थैनोस ने आखिर एटर्निटी का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि एटर्निटी के पास अब गौर विश मांग सकता है कोई भी जाके, तो एटर्निटी जो है उस विश को पूरी कर देता, लेकिन थैनोस ने ऐसा क्यों नहीं किया? इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढने में, कलेक्ट करने में, इतने लोगों से लड़ने में और इतनी मेहनत करने से बड़ा आसान होता कि वो एटर्निटी के पास जाता और वहां पर उससे विश मांग लेता कि आधे यूनिवर्स को खत्म कर दो। तो थैनोस ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, लेकिन सबसे पहला रीजन यही है कि राइटर्स ने ऐसा सोचा ही नहीं। हाँ यार, जब राइटर्स ने ऐसा नहीं सोचा तो ये चीज पॉसिबल ही कैसे होगी ना, क्योंकि यार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत बड़ा होते जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो हर चीजों को कंसीडर नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टोरीज में बहुत सारे प्लॉट होल्स आ जाते हैं। अब कॉमिक्स ही देख लो तुम यार, कॉमिक्स इतनी सारी हैं, हर अलग अलग कॉमिक में अलग अलग टाइप की स्टोरीज दिखाई गई है, और इसी वजह से मार्वल जो है इन सारी चीजों को वो एक साथ मिला ना दे, इसलिए मार्वल ने मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट लाया। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज में हमें 838 यूनिवर्स दिखाया गया, ताकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेन यूनिवर्स में दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाएगा, इस वजह से मार्वल ये चीज कर रहा है। एंड हाँ, ये चीज जो है राइटर ने सोची नहीं थी, मार्वल ने इस प्लान ही नहीं की थी कि एटर्निटी को वो पहले दिखाएंगे, क्योंकि उनको फोकस करना था इन्फिनिटी सागा में। एंड आपको बता देता हूँ कि इन्फिनिटी सागा एक्चुअल में इन्फिनिटी स्टोन के चारों तरफ घूमती है, और इन्फिनिटी स्टोन को इन्फिनिटी नाम के एक ऐसी एंटिटी ने बनाया है, जैसे कि एटर्निटी हो गई ना, उसी तरह इन्फिनिटी जो है वो उसकी बहन टाइप की लगती है, तो इन्फिनिटी ने ही सारे इन्फिनिटी स्टोन बनाए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इन्फिनिटी और एटर्निटी एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल है? तो देखो, इन्फिनिटी और एटर्निटी एंटिटीज हैं, यानी कि स्पेस यूनिवर्स, जो पूरा यूनिवर्स चल रहा है ना, ये उसी को जो है दर्शाती हैं। यानी कि सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, तो एटर्निटी जो है वो स्पेस जो है वो खाली जगह है जो है वो उसको दर्शाती है, इन्फिनिटी जो है वो टाइम हो गई, पावर हो गई, इन सारी चीजों को दर्शाती है। यानी कि ये लोग जो है वो स्पेस के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, तो हम इन दोनों को जो है कंपेयर नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग टाइम के पहले से एग्जिस्ट करते हैं और टाइम के अंत तक एग्जिस्ट करते रहेंगे। तो खैर, हमारा टॉपिक ये था कि थैनोस ने एटर्निटी का यूज क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने चीज आपको बता दी, प्लॉट होल्स, कैरेक्टर्स ने ऐसा सोचा नहीं था। दूसरी चीज, थैनोस के इसके बारे में अंदाजा ही नहीं था, या फिर पता नहीं था। तो देखो, पता कैसे नहीं था, पहली बात तो थैनोस एक एटर्नल है जो कि टाइटन ग्रह पे रहता है, यानी कि वो एक टाइटन है, यानी कि भटके हुए एटर्नल जो कि सेलेस्टियल्स की बातों पे नहीं चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि टाइटन की पैर पे सबको ये सब ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो उनका प्लेनेट तबाह नहीं हुआ होता। थैनोस उनमें एक एक्सेप्शन था, और थैनोस के पास बहुत ही ज्यादा पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, मगर एटर्निटी के बारे में उसको पता नहीं है, क्योंकि कोई कारण नहीं था एटर्निटी के बारे में जानने का, क्योंकि एटर्निटी जो है वो किसी फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। हमें थॉर लव एंड थंडर में दिखाया गया है कि एटर्निटी का गेट था, उसकी की स्टॉर्म ब्रेकर थी, यानी कि बायफ्रॉस्ट, और उसके अंदर जाने के बाद एटर्निटी का एक फिजिकल फॉर्म हमें दिखाई दिया था। वो एटर्निटी का वो फॉर्म था जहां से इंटरैक्ट किया जा सकता है, जिससे इंटरैक्ट किया जा सकता है, जबकि एटर्निटी का रियल कोई फॉर्म ही नहीं है, वो हर जगह एक ही टाइम पे प्रेजेंट होती है। इस वजह से हो सकता है कि ये चीजें सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को, जैसे गॉड्स को, और कुछ जो स्पेशल एंटिटीज एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, या फिर कुछ स्पेशल लोगों को ही उसके बारे में मालूम हो, और थैनोस को इसके बारे में पता नहीं चला हो, क्योंकि स्पेशली गॉड्स को इसके बारे में मोस्टली मालूम था। लेकिन इसके अलावा अगर थैनोस को पता भी था कि एटर्निटी एग्जिस्ट करती है, तो थैनोस के पास कोई रीजन नहीं था उसके पास जाने का। मैंने आपको बताया, एटर्निटी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है सिर्फ उस गेट को छोड़ के, बल्कि इन्फिनिटी स्टोन्स जो है वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड थैनोस को बहुत पहले से ही मालूम था कि इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट भी करते हैं, इस वजह से थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को प्रेफर किया। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि इन्फिनिटी स्टोन्स जो है वो एटर्निटी से ज्यादा पावरफुल रहे हैं कॉमिक्स में। अब देखो, एटर्निटी को हराना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में हर कुछ पॉसिबल होता है, इसलिए थैनोस ने एटर्निटी को कॉमिक्स में इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से हरा दिया था। इन्फिनिटी स्टोन्स पूरे यूनिवर्स की जो सारी चीजें हैं उसको कंट्रोल में रखते हैं, जैसे पावर, टाइम। अब इन सारी चीजों का कंट्रोल जिसके पास में होगा, वो एटर्निटी को पॉसिबल है कि हरा सकता है। एंड थैनोस ने कॉमिक्स में एक बार ऐसा किया भी था, जहाँ पे उसकी फाइट जो है वो एटर्निटी से हुई थी, और उसने एटर्निटी को हरा के वो खुद एटर्निटी बन गया था, यानी कि वो हर जगह पे प्रेजेंट था। तो अगर एमसीयू में भी ऐसा है, तो थैनोस को पता था कि एटर्निटी से ज्यादा पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, एंड वो इन्फिनिटी स्टोन्स का कुछ
कुछ भी कर सकता है। यानी उसका बेसिक प्लान तो 50% पॉपुलेशन को मिटाना था, लेकिन उसे पता था ये काम आसान नहीं होगा। इस वजह से वो जो है बंदा जो है इन्फिनिटी स्टोन्स को उसने प्रेफर किया, ताकि अगर उसका पहला प्लान फेल हो जाए तो वो दूसरे प्लान पे काम कर सके। क्योंकि थैनोस को जब मालूम चला था कि एवेंजर्स जो है वो गए हैं पास्ट में जाके इन्फिनिटी स्टोन लेके आ रहे हैं, तो थैनोस जो है वो पास्ट से यहाँ पे आया और उसने अब प्लान बनाया था कि वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके इस यूनिवर्स में सारी चीजों को दोबारा से क्रिएट करेगा इन्फिनिटी स्टोन की मदद से। तो थैनोस ने यही सोचा होगा कि अगर मेरा पहला प्लान फेल हो जाता है तो इन्फिनिटी स्टोन मेरी हेल्प कर सकते हैं दूसरे प्लान को करने के लिए, जबकि एटर्निटी के पास जाने के लिए उसको बायफ्रॉस्ट की जरूरत पड़ेगी। और पूरे यूनिवर्स में बायफ्रॉस्ट सिर्फ एक ही जगह पे था, वो था एसगार्ड में। एसगार्ड जो है वो 2017 से पहले डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जब थैनोस अपने मिशन पे निकला हुआ था उसी समय उसको मालूम चला कि एसगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया है। ऊपर से थैनोस को ओडिन के बारे में भी पता था, क्योंकि थैनोस को ओडिन जो है वो बहुत आसानी से हरा सकता था, क्योंकि ओडिन की बस ओडिन फोर्स थी, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो थैनोस को बहुत इजीली हरा सकती थी। तो ओडिन के लिए चुटकियों का काम होता थैनोस को हराना, इस वजह से थैनोस जो है वो ओडिन से डरता था। एंड इसके बारे में बात हम कर भी चुके हैं बहुत पहले 2018 के टाइम में ही, कि थैनोस जो है वो इतने टाइम तक वेट क्यों करता रहा। वो इन्फिनिटी स्टोन पहले भी आके कलेक्ट कर सकता था, अगर 2012 वाली एवेंजर्स के टाइम में वो आया होता तो बहुत आसानी से वो सारे एवेंजर्स को मार देता। लेकिन थैनोस ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अर्थ पे एंशिएंट वन थी और एस्गार्ड पे ओडिन थे। ओडिन जो है वो चुटकियों में थैनोस को हरा सकते थे और एंशिएंट वन भी, इसलिए थैनोस जो है वो इन दोनों से डरता था, इस वजह से वो अर्थ पहले नहीं आया। तो अब उसको अगर बायफ्रॉस्ट समन करना था तो उसे एस्गार्ड जाना ही पड़ता, इसलिए उसने एटर्निटी वाले प्लान की तरफ देखा ही नहीं और इन्फिनिटी वाले प्लान की तरफ फोकस किया। अब जहाँ बात हो कि वो तो स्टॉर्म ब्रेकर जाके ईटरी से बनवा सकता था ना, क्योंकि ईटरी को मार पीट के उसने ऑलरेडी इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाया था, तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट की जगह स्टॉर्म ब्रेकर बनवा देता। तो यहाँ पे भी दो तीन रीजन आते हैं। पहले रीजन की थैनोस को पता ही नहीं था कि स्टॉर्म ब्रेकर जैसा कोई वेपन एग्जिस्ट करता है जो कि जो है बायफ्रॉस्ट को समन कर सकता है। दूसरी चीज, अगर उसे पता भी था तो वो सिर्फ थियरीज में था। ईटरी ने साफ साफ इन्फिनिटी वॉर में बोला था कि ऐसा माना जाता है कि स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट को समन कर सकता है, मतलब वो भी श्योर नहीं था। तो जब जो चीज जो है सिर्फ थियरीज में एग्जिस्ट करती हो, क्योंकि नेडा ब्लेयर जो है वो खुद थियरीज में एग्जिस्ट करता था, तो थैनोस उसके ऊपर भरोसा कैसे करता। एकदम फाइनल रीजन, थर्ड रीजन इसका ये आता है कि थैनोस अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकर बनवा भी लेता तो वो उसका यूज करता तो करता कैसे, क्योंकि उसका यूज है वो सिर्फ गॉड्स यानी कि थॉर जैसे कैरेक्टर कर सकते हैं। भले ही एंड गेम में उसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर उठा लिया था अपने हाथों से थॉर का, लेकिन वो उसकी पावर यूज नहीं कर सकता था। और इसी वजह से थैनोस के पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो एटर्निटी का वो गेट खोल पाता, क्योंकि वो बायफ्रॉस्ट समन नहीं कर सकता था। एंड बायफ्रॉस्ट जो है वो एटर्निटी के पास जाने की उसका द्वार खोलने की की है। सिंपल सा यही रीजन बैठता है कि थैनोस के लिए ये सब पॉसिबल ही नहीं था और सबसे आसान उसके लिए इन्फिनिटी स्टोन्स ही कलेक्ट करने थे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जो लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था वो भाई आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आप नीचे मेरे से पूछते रहो। एंड मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हमें ऑस्कर आइजैक, जो कि मून नाइट का रोल प्ले किया है जिन्होंने, वो जो है पहले किस मूवी में हमें देखने को मिल चुके हैं। तो उसका आंसर था उन्होंने एन सभानूर का रोल प्ले किया था, यानी अपोकलिप्स का, एक्समैन अपोकलिप्स मूवी में, जो कि एक इजिप्शियन ओरिजिन का विलन था। पुष्पा रघुवंशी ने इसका आंसर सबसे पहले दिया था, मतलब मेरे वीडियो अपलोड करने के 2-3 मिनट में ही दे दिया था। भैया वीडियो पूरी देख लिया करो फिर आंसर दिया करो यार। तो मेरा सवाल ये है कि आयरन मैन मूवी के बाद कौन सी ऐसी मूवी थी जहां पे हमें टोनी स्टार्क जो है दिखाया गया था। तो ये चीज आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, जो इसका आंसर सही से देगा उसको जो है वो मस्त जो है शाउट आउट मिलेगा। तो आई थिंक गाइस मेरे हिसाब से आज का वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले सी या बाय बाय, साइनिंग ऑफ। कौन है तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, तू बहुत आगे जाएगा। हाँ, क्योंकि तू जहाँ भी जाएगा ना लोग बोलेंगे अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। You're crazy. अच्छा है कौन मैं तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, तू बहुत आगे जाएगा। Really? हाँ, क्योंकि तू जहाँ भी जाएगा ना लोग बोलेंगे अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर।